चाहिए। और ट्यूजडे का दिन हमारे पास, इसमें हमें इंग्लिश वीडियो करना है पेज नंबर 44 पे। इट इज़ अ कोड, इट इज़ अ टीम, ठीक है। ये देखिए पेज मेरे पास है, बुक मेरे पास है, पेज नंबर 44 है। इट इज़ अ पॉट, ये एक गुलदान है। इट इज़ अ टिन, ये एक टिन है, ठीक है। ये आपने दो याद कर लिया। उसके बाद हमारे पास है उर्दू रीडिंग, उर्दू रीडिंग पे हमारे पास है पेज नंबर 68, इसकी हमने रिवीजन करनी है। ये देखिए पेज नंबर 68 है, रिवीजन करनी है, वाव के साथ जोड़ के हमने पढ़ना है। मीम वा मो रे वाड़ो, मोड़ो रे वा रो का वा को, रोको सी वा सो चे वा चो, सोचो जी वा जो रे वाड़ो जोड़ो, ठीक है। ये आपने सारा इसको याद करना है। उसके बाद हमारे पास है इस्लामिक स्टडी, पेज नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इस्लामिक स्टडी में पेज नंबर 23 ये है और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, हाउ मैनी एंजल्स आर ऑलवेज विद अस, हमारे साथ हमेशा कितने फरिश्ते होते हैं। 2 एंजल्स, कितने फरिश्ते होते हैं, 2 एंजल्स। एक हमारे होता है राइट शोल्डर पर, दूसरा होता है हमारे लेफ्ट शोल्डर पर, ठीक है। एक हमारे अच्छे कामों को लिखता है और दूसरे हमारे बुरे कामों को लिखता है। उसके बाद हमारे पास है नाज़ा, इलम में इजाफे की दुआ पढ़ते हैं हम। रब्बी जिदनी इल्मा, क्या है, रब्बी जिदनी इल्मा, ये आपने याद करनी है। उसके बाद इंग्लिश पोएम है बाबा ब्लैंक शीट, ये आपने कंप्लीट याद करनी है। उसके बाद हमारे पास है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जनरल नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव इन वन हैंड, आपने अपनी बर्थडे बतानी है। माय बर्थडे इज, जो भी आपकी बर्थडे की डेट है आपने यहाँ पर